जय श्री राम, जय परशुराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी भाइयों से आज मैं जुड़ा हूं इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कंप्लीट पटना डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल में एडमिशन का प्रॉपर प्रोसेस मालूम चल जाए। आप अपने बच्चों का एडमिशन LKG में कैसे करवा सकते हैं पटना डॉन बॉस्को में, मैं इसको लेकर के, इस बात को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूँ। मैं राकेश कुमार मिश्रा, मेरे बच्चे का नाम रुद्रांश मिश्रा है। विगत 20 दिसंबर 2023 को जिस दिन फॉर्म ऑनलाइन आया था उस दिन हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हमें जो इंटरेक्शन डेट होता है उसके लिए 4 जनवरी 2024 को बुलाया गया था। जिस दिन की इंटरेक्शन हुआ उस दिन हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो है सो चेक किया गया, जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, जो भी एड्रेस प्रूफ वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये वेरिफिकेशन होने के बाद, जो कि पाटलिपुत्रा में पड़ता है, P66 करके पड़ता है एरिया इनका प्राइमरी स्कूल का, तो वहाँ पर हम लोग गए थे। तो पहले टोकन गेट पे मिला, उसके बाद फिर हमारा जब अंदर गए तो फिर हमारा नाम बुलाया गया। नाम बुलाने के बाद हमें भेजा गया इंटरेक्शन के लिए, जिसमें दो टीचर बैठी हुई थी, उन्होंने हमारे बच्चे से क्वेश्चंस किए, इवन हमसे भी क्वेश्चंस किए। हम एज अ फादर और हमारी वाइफ, फादर मदर, हम लोग दोनों गए थे अपने बच्चे को लेकर के, तो उससे तो इंटरेक्शन लिए ही लिए, उसके बाद साथ साथ हमसे भी लिए क्वेश्चंस भी। उन लोग का थोड़ा सा होता है ना कि बच्चों से स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं, ऐसा नहीं था, थोड़ा सा घुमा करके कि भाई, वो ये भी जानना चाह रही थी कि टीथ कहाँ है, वो ये भी जानना चाह रही थी कि माउथ कहाँ है, और वो ये भी जानना चाह रही थी कि बच्चा कितना समझ पा रहा है, चीज़ों को कैसे समझ पा रहा है, ठीक है। तो जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई आपका टीथ कहाँ है, तो उन्होंने ऐसे पूछा कि आपका टीथ कितनी बार टूट चुका है, आपका टीथ कभी टूटा है या नहीं टूटा है। इससे क्या हुआ कि उन्हें उस बच्चे का रियल एज मालूम चल गया, क्योंकि बच्चा तो झूठ बोलेगा नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपने कितनी बार केक काटा है, ताकि बच्चा तो झूठ बोलेगा नहीं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उसने बोला मैं 4 बार केक काटा हूँ मैं, इस टाइप से। फिर कभी कभी दादी के साथ बर्थडे केक काटा हूँ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, इस टाइप से, ठीक है। फिर उससे पूछा गया कि आपका, आपको ABCD आता है या नहीं, आपको राइम्स आता है या नहीं, ABCD पूरा बुलवाया गया उससे ओरली, फिर लिखवाया गया, उसके बाद बॉडी पार्ट्स, मतलब काइंड ऑफ ये चीज़ की बस वो जानना चाहते हैं कि बच्चा कितना समझ पाता है, बच्चा कितना चीज़ों को जल्दी से अब्जॉर्ब कर पा रहा है चीज़ों के, नहीं कि जो चीज़ उनसे बोला जा रहा है उस चीज़ को वो जल्दी से समझ पा रहे हैं या नहीं। साथ ही वो पेरेंट्स से उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि पढ़े लिखे हैं या नहीं, ठीक है। प्लस जो एड्रेस प्रूफ है उसका वेरिफिकेशन करते हैं वो लोग। उसके बाद ये सब होने के बाद हमें बोला गया कि आज तो ये चीज़ हो गया, अब 28 जनवरी को आपका रिजल्ट है। क्योंकि 28 जनवरी को संडे पड़ता है, तो आई वॉज वेटिंग, ये बात लास्ट नाइट की है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जब हमारे बच्चे का लिस्ट में नाम आ गया है तब, ठीक है। तो 27th यानी कि कल रात को 11:30 बजे मेरे पास मैसेज आता है कि कांग्रेचुलेशंस, योर वार्ड हैज बीन सेलेक्टेड एंड ऑल दैट। ये मैसेज मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद फिर मेरे पास एक मैसेज आया कि आप डॉन बॉस्को का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इसमें सारा चीज़, वो ID पासवर्ड वगैरह सब बना के भेजे थे, जिसके थ्रू हमने एप्लीकेशन डाउनलोड किया। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उस बच्चे का सारा डिटेल हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें आज जैसे 28 है, तो आज रिजल्ट का डेट था, तो रात को 11:30 बजे ही मेरे पास मैसेज आ गया था कि हमारे बच्चे का हो चुका है, ठीक है, मतलब लिस्ट में नाम आ चुका है। उसके बाद फिर मुझे लगा पता नहीं, मैसेज तो आया है, मैं कैसे बिलीव कर लूँ, फिर भी मैंने बिलीव किया। फिर उसके बाद मैंने वेबसाइट चेक किया, वेबसाइट चेक करने के बाद उसका जो एडमिशन कॉलम होता है उसमें जाकर के नीचे मैं LKG रिजल्ट करके आया था कि रिजल्ट आउट, LKG रिजल्ट आउट, तो मैंने उसे क्लिक किया, उसमें देखा कि मेरे बच्चे का रोल नंबर उसमें असाइन किया हुआ है, ठीक है।
तो कुछ इस तरह से ये प्रोसेस रहा। उसके बाद फिर मुझे, कल 29th है, तो एडमिशन फॉर्म के लिए बुलाया गया कि आप, जो टाइमिंग दिया गया हमारे पास, वो सारे डिटेल मेरे को मेल किया गया, प्लस मेरे पास मैसेज भी किया गया कि 1 घंटे का स्लॉट है, उस स्लॉट में आकर के आप अपना एडमिशन फॉर्म ले लीजिए। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंच पाते हो तो एडमिशन विल बी कॉल्ड एज कैंसल्ड। तो कल हमें जाना है, फिर कल हम जाते हैं, कल का जो प्रोसेस होता है फिर मैं आपको फर्दर सारा डिटेल बताता रहूंगा, जो भी प्रोसेस होता है वो सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, सो दैट कि आप लोग इन फ्यूचर अगर कभी अप्लाई करते हो डोनोस्को के लिए तो आप लोग को आसानी हो और आप लोग के बच्चे का भी एडमिशन हो जाए। मैं भी इस स्कूल के लिए बहुत जोर शोरों से लगा हुआ था कि भाई कैसे भी मेरे बच्चे का हो जाए, क्योंकि हमारे पटना में मिशनरी स्कूल में डॉन बॉस्को ही एक ऐसा स्कूल है जो ICSE बोर्ड से एफिलिएटेड है, ठीक है। और पटना में वैसे तो बहुत सारे स्कूल है, लेकिन हर पेरेंट्स का, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे वो अमीर हो, हर कोई पेरेंट्स एक बार इन चार स्कूल में, संत माइकल, डॉन बॉस्को, लॉयला, संजीवियर, ये चार स्कूल ऐसे हैं जिसमें हर किसी के माँ बाप एक बार ट्राई करते हैं। अगर हो जाए हमारे बच्चे का तो बहुत अच्छा है, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। एक मिशनरी स्कूल में पढ़ने का एक अलग ही रोल होता है लाइफ में, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी लगा हुआ था पिछले 2 सालों से। लास्ट ईयर मैं संत माइकल के लिए ट्राई किया था, डॉन बॉस्को के लिए भी ट्राई किया था, जेवियर्स के लिए भी ट्राई किया था, नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल हो गया। और वी आर सो हैप्पी, एंड इवन आई विश कि आप लोग भी ऐसे अप्लाई करो और आप लोग के बच्चे का भी एडमिशन, आप लोग के वार्ड का भी एडमिशन इस स्कूल में हो जाए। बाकी जो डिटेल है आगे मैं आपको फर्दर सारा बताऊंगा, जैसे जैसे होगा सारा वीडियो मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे हुआ। जब तक कंप्लीट, पूरा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस नहीं होता, वो सारा वीडियो मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप बने रहना, मैं आपको सारा चीज़ डिटेल बताऊंगा। धन्यवाद, टिल देन, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार।